हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल में। मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल ढाबा स्टाइल पनीर शिमला मिर्च और प्याज की बहुत ही टेस्टी सब्जी। ये सब्जी खाने में तो बहुत टेस्टी होती ही है, इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। और आप इस सब्जी को नान, तंदूरी रोटी, पूरी, पराठे या फिर चपाती के साथ सर्व कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं इस पनीर शिमला मिर्च और प्याज की इस हेल्दी और टेस्टी सब्जी को बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये 250 ग्राम फ्रेश पनीर। इसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से मीडियम साइज में क्यूब्स में कट कर लिया है। पनीर के अलावा मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज के प्याज और दो शिमला मिर्च को क्यूब्स में इस तरीके से कट कर लिया है। तो यहाँ पर इन तीनों के अलावा मैंने एक मीडियम साइज के प्याज को बारीक कट कर लिया है। दो लाल रंग के टमाटर को ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और दो हरी मिर्च को यहाँ पर इस तरीके से बारीक कट कर लिया है। गैस पर मैंने एक पैन रखा है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ दो चम्मच ऑयल। तो हमें यहाँ पर ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, तो ऑयल को यहाँ पर गर्म होने देंगे। तो ऑयल को मैं यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा फैला दूंगी, क्योंकि हमें यहाँ पर शिमला मिर्च, प्याज और पनीर को शैलो फ्राई करना है। और इस तरीके से शैलो फ्राई करने से बहुत ही टेस्टी बनेगी हमारी ये सब्जी। तो इसमें मैं डाल दूंगी क्यूब्स में कटी हुई सभी शिमला मिर्च और प्याज। तो पनीर को मैं बाद में फ्राई करूंगी, तो इन दोनों को मैं यहाँ पर एक साथ फ्राई कर लूंगी। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम रखा है। तो यहाँ पर मैं इन्हें क्रंची होने तक फ्राई करूंगी, तो बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर इन्हें फ्राई नहीं करना है। तो यहाँ पर मुझे 3 से 4 मिनट का समय हो चुका है और जो सब्जियाँ हैं इनका कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर इन्हें निकाल लूंगी एक प्लेट में। तो यहाँ पर इन दोनों को ही मैंने अच्छे से छानते हुए एक प्लेट में निकाल लिया है। तो बाकी बचे हुए ऑयल में मैं डाल दूंगी पनीर के सभी टुकड़े। तो यहाँ पर मैंने पनीर के सभी टुकड़े डाल दिए हैं। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ भी मीडियम रखा है। तो यहाँ पर मुझे 2 से 3 मिनट का समय हो चुका है, तो हल्का सा हमें यहाँ पर इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो अब मैं यहाँ पर इन्हें दूसरी साइड पलट लूंगी, तो दूसरी साइड से भी यहाँ पर इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो दोनों साइड से हमारी ये पनीर यहाँ पर गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो पनीर को भी मैंने यहाँ पर सेम प्लेट में निकाल लिया है। उसी पैन में अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच ऑयल। तो ऑयल को यहाँ पर अच्छे से गर्म होने देंगे। तो ऑयल गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा। जीरे को यहाँ पर क्रैकल होने देंगे। इस सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट लाने के लिए मैं इसमें डाल दूंगी अब 2 लौंग, 4 काली मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी, 2 छोटी हरी इलायची। तो इलायची का मुंह यहाँ पर मैं थोड़ा खोलकर डाल रही हूँ। और 1 तेजपत्ता। तो आपके घर में इनमें से जो भी मसाले अवेलेबल हों आप उन्हें यहाँ पर डाल सकते हो। लो फ्लेम पर इन्हें मैंने रोस्ट कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 चुटकी हींग। हींग डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी होती है, तो आप इसे ज़रूर डालें। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई प्याज। गैस का फ्लेम मैंने अब यहाँ पर मीडियम कर लिया है, तो प्याज को मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 मिनट के लिए मैंने इसे सौटे कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो यहाँ पर ये तीखी हरी मिर्च का मैं यूज़ कर रही हूँ। और 1 चम्मच मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। इन सभी को अच्छे से प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए और सौटे करेंगे। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं, तो अब मैं यहाँ पर ड्राई मसाले डाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो हरी मिर्च मैंने डाली है, तो यहाँ पर मैं नॉर्मल लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ। 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है और कुछ सेकंड्स के लिए इन्हें रोस्ट कर लिया है।
तो अब मैं यहाँ पर ग्रेटेड टमाटर डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने जो टमाटर लिए हैं वो बिल्कुल लाल कलर के हैं और इनसे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अच्छे से मैंने यहाँ पर इन्हें मिक्स कर लिया है और 2 मिनट के लिए भून लिया है। तो जितना अच्छे से हम यहाँ पर इसे भूनेंगे उतना ही अच्छा सब्जी में टेस्ट आएगा। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/2 कप के लगभग पानी। मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अब मैं इस पानी में उबाल आने दूंगी। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच भरकर घर की फ्रेश मलाई। आप इसकी जगह क्रीम का भी यूज कर सकते हो। ये दोनों ही डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस सब्जी में। इसको मैं यहाँ पर मिक्स कर लूंगी। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1.5 छोटे चम्मच नमक। तो नमक मैंने पहले नहीं डाला था क्योंकि कई बार नमक पहले डालने से मलाई या क्रीम फट सकती है। तो इसको मैं यहाँ पर मिक्स कर लूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डालें। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ पनीर, शिमला मिर्च और प्याज, जिसको हमने शैलो फ्राई करके रखा था। तो यहाँ पर इन सभी को मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अब मैं यहाँ पर ढक्कन लगा लूंगी और ढक्कन लगाकर इसे कुक करूंगी 4 से 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 5 मिनट का समय हो चुका है और मैंने ढक्कन खोल लिया है। तो सब्जी को एक बार मिक्स कर लेंगे। तो हमारी ये सब्जी यहाँ पर बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है क्योंकि हमने पनीर, शिमला मिर्च और प्याज को ऑलरेडी शैलो फ्राई कर लिया था। तो इस सब्जी को बनने में बहुत कम समय लगा है। तो लास्ट में अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो गैस का फ्लेम मैंने अब यहाँ पर बंद कर लिया है। इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी पनीर, शिमला मिर्च और प्याज की बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस सब्जी बनकर तैयार है। मैं इसे आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ। तो हमारी ये सब्जी देखने में जितनी यम्मी लग रही है, खाने में ये उतनी ही टेस्टी है। तो यहाँ पर इस सब्जी को मैंने सर्व कर लिया है 1 सर्विंग कढ़ाई में। तो फ्रेंड्स, आप भी इस पनीर, शिमला मिर्च और प्याज की इस सब्जी की इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। मैं आशा करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।